सो हेलो एवरीवन वेलकम टू एल एनम स्वागत है आपका एल पे तो होप कि आपको ये जॉब पी एच डी रिसर्च जॉब्स के अपडेट्स के बारे पसंद आ रहे होंगे आप उन्हें इन्जॉय कर रहे होंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट पोजिशन के बारे में जो कि है फ्रॉम आई आई टी कानपुर सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी में ठीक है तो प्रोजेक्ट के और भी डिटेल्स में आपको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ और भी डिस्कशन करना चाहूँगा कि अगर कहीं भी आपको कैसी ऐसी कोई नोटिफिकेशन मिलती है कि किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट आईआईटी आई में अगर प्रोजेक्ट पोजिशन आती है तो उसमें आप जरूर अप्लाई करिए ठीक है इसके दो रीजनस हैं पहला रीजन है कि अगर आप प्रोजेक्ट पोजिशन पोड़े में अप्लाई करते हैं मास्टर्स के बाद अगर, आपको मतलब अगर आप मतलब लाइक कि आपका पी एच डी में एडमिशन लेने में कुछ गैप हो रहा है अगर आप प्रोजेक्ट पोजिशन में पोड़े अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपको उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के साथ कोई थोड़ा इंट्रेक्शन बढ़ता है थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको हेल्प करता है इंटरव्यू में लाइक आपको पता होगा कि पी एच डी में अगर आपको एडमिशन लेना तो उसके दो प्रोसेस होते हैं सबसे पहले आपको कोई नेशनल एग्जामिनेशन लाइक सी एस आई आर गेट गेट डीबीटी क्वालीफाई करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इजिली अप्लाई करते हैं उसके रिटर्न और इंटरव्यू में बैठते हैं ठीक है तो इसमें जो सेकेंड प्रोसेस इंटरव्यू का है उसमें अगर आप पहले से उस डिपार्टमेंट में हैं या पहले से उस प्रोफेसर से इंटरेक्टेड हैं तो आपको एक लाइक ईजी हो जाता है इंटरव्यू क्रैक करने में ठीक है और दूसरा रीजन ये है कि अब लाइक आप किसी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में कई सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं किस प्रोजेक्ट के थ्रू आप डायरेक्ट पी में अप्लाई कर सकते हैं लाइक आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें अप्लाई करके आप डायरेक्ट पी में भी इनरॉल कर सकते हैं ठीक है तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पोजिशन में अप्लाई करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में तो आपका उस डिपार्टमेंट्स आपका उस प्रोसेसर से इंट्रैक्शन बढ़ता है जो आपको इंटरव्यू करैक्ट करने में थोड़ा इजी कर देता है ठीक है तो बात कर लेते हैं और भी प्रोजेक्ट और भी डिटेल्स के बारे में तो ये टेम्प्रोरी प्रोजेक्ट पोजिशन है ठीक है इसमें दो पोजिशन है

बात कर लेते हैं सैलरी रेंज की तो पेमेंट आपको एटीन थाउजेंड टू फोर्टी फाइव ड्यूरेशन वन ईयर ईयर का प्रोजेक्ट होगा और साथ ही साथ इक्कीस अगस्त आपको अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है तो सीवी एक्सपीरियंस कोई पब्लिकेशन है या फिर कोई अपने आपने लिखा है तो ये सब आपको इस ईमेल पे भेजना है ठीक है ईमेल कैसे भेजना है सबसे पहले आपको एडवर्टाइज पोजिशन का नाम लाइक like की यहां पर नंबर दिया है और यहां पे पोजिशन प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा इसको आपको ईमेल कर देना है इस मेल पे ठीक है समझ गए तो एक बार फिर से थोड़ा समझी बता देता हूँ ये दो प्रोजेक्ट पॉजिशन है आईआईटी कानपुर सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी में इसमें एमएससी बायोलॉजी या सी बायोलॉजी एलिजिबल है और साथ ही साथ इसका पेमेंट स्केल होगा एटीन टू फोर्टीन ड्यूरेशन वन ईयर का और लास्ट डेट 21 अगस्त है उससे आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है तो इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का एडवांटेज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक आइडिया एडवांटेज होगा इंटरव्यू क्रैक करने का लाइक कि आप प्रोजेक्ट पोजिशन में अप्लाई कर लिए साथ साथ अपने जे की स्टडी कंटिन्यू की जे आर एफ आपका क्लियर हुआ तो आपके उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस इंटरव्यू का है वो थोड़ा इजी हो जाता है ठीक है गारंटी नहीं होती लेकिन थोड़ा इजी हो जाता है ठीक है तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर इस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे आपके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू एंड बाय बाय